के ब्लॉग में मैं आज अपने सीरीज निकाला हूँ कि बिहार में कहाँ कहाँ पानी का इफेक्ट जो चल रहा है। सो अभी जिस इससे पहले मैं इसे तिलावा नदी का आपको ब्लॉग बना के दिखाया था जो पानी कितना है। देखिए आज दो दिन पहले मैं ब्लॉग बनाया था इस तिलावा नदी का जो इसे पानी कितना फुल हो चुका है, लेकिन दो दिन बाद देखिए कितना। अभी जो हरा भरा घास था वो आपको दिख रहा होगा, पूरा पानी ही पानी दिख रहा है। अभी तो दो दिन हुआ है और आगे आपको दिखाऊंगा। तो आज ये इस पानी के ब्लॉग में एक्चुअली मैं अभी सीरीज निकाला हूँ जो आपको बिहार का हर एक एरिया का मैं जहाँ तक हो सके मैं आपको ये ब्लॉग बना के दिखाऊँ जो पानी का कितना कैसा असर पड़ता है बिहार में। तो ये देखिए आज मैं जा रहा था तो इधर से मैं सोचा फिर से आप इस नदी का आपको दिखाऊँ विकराल रूप। आज देखिए ये नदी कितना विकराल रूप ले चुका है। तो आप लोग इसी पे ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस नदी का कितना अभी इफेक्ट है इस एरिया। तो देखिए दो दिन बाद इस नदी का अभी कहर कितना पड़ गया है। देखिए अभी हाउसफुल हो चुका है और जितना पानी है ऊपर फेंकने लगा, जितना हरा हरा घास आपको पिछले मैं ब्लॉग में दिखाया था उससे कहीं ज़्यादा ये आज पानी यहाँ पर है आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये देखिए हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। ये नदी का कितना इफेक्ट पड़ता है बिहार में। सो ये देखिए अभी यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा पानी ही पानी दिख रहा होगा। ये देखिए जितना हरा घास दिख रहा था उसमें पूरा अभी ये नदी पूरा उफान मार चुका है। तो देखिए आज मैं इसको एक एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा हूँ कितना इफेक्ट पड़ता है बिहार में किसी नदी का इसने, क्योंकि ये नेपाल से जुड़ा हुआ है क्षेत्र है तो यहाँ पर बारिश का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। आपको पता है कोसी नदी का भी आता है, कोसी नदी का भी मैं दिखाऊंगा अगले आगे ब्लॉग में जाऊँगा। तो अभी मैं अपने एरिया का दिखा देता हूँ यहाँ पर अभी बारिश का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये देखिए अभी आपको देखने को मिल रहा हो कितना पानी पानी दिख रहा है। आई होप यू लव दिस वीडियो। इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिव विलेज विद टेक्नोटेक इंडिया टीम।